ये देखें माश की दाल बनाने लगी हूँ मैं। ये हाफ प्याज लिया है, बड़े साइज़ का प्याज था मैंने हाफ लिया है। ये लहसुन है, ये अदरक है, ये टमाटर है और ये ग्रीन चिली है। जब तक व्यूवर्स आते हैं मैं इसको प्याज को चॉप करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्याज मैंने चॉप किया हुआ है। इंग्रेडिएंट्स मैंने स्टार्ट में बता दिए थे। जल्दी जल्दी आ जाए ताकि रेसिपी स्टार्ट की जाए। ये हाफ कप मैंने ऑयल लिया है इसमें और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी चॉपर में जो मैंने कल भी आपको दिखाया था इसी में मैं डालूंगी लहसुन अदरक और इसको साथ साथ चॉप करूंगी। शेयरिंग करें, दोस्तों को इनवाइट करें और कौन है मेरे साथ साथ मुझे ये भी बताएं। किस किस जगह से है? कल एक सिस्टर कह रही थी मैं कोयटा से हूँ। आज माश की दाल बना रही हूँ मैं, बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्विक आसान रेसिपी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। प्याज मैंने चॉप करके इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें जाएंगी ये देखिए, इसमें मैंने लहसुन अदरक और ग्रीन चिली डाली है जिसको मैं चॉप करूंगी। ये बहुत काम की चीज़ है। ये देखें, अब इसको यूँ इसकी इसको डाल के तो इसमें चॉप कर लूँगी। साथ इसको मैं हिलाती भी जाऊंगी, प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए।
कीजिए। माश की दाल बन रही है, किस किस को माश की दाल पसंद है? बहुत ही जबरदस्त आसान सी रेसिपी। ये देखें लहसुन अदरक, और ये कितना बारीक हो गया, मैं आपको पास से शो करूंगी। लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का हमने पेस्ट बना लिया है। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये देखें अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। तीन है जैसे लड़कियां कहाँ गई सब आज, इसलिए मैंने कल बोला था कि पेज को लाइक फॉलो करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं लाइव आऊं। कल माशाल्लाह 80 लोग थे। मैंने प्याज डाला है, फिर लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट बना के, और अब टमाटर का थोड़ा सा पेस्ट बना के इसको मैं डालूंगी। इसमें धोने की स्मेल इसकी आने शुरू हो जाए। इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए जी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है माश की दाल? बहुत ही ज़बरदस्त आसान रेसिपी। इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। शेयर करें, मेरे पेज को लाइक फॉलो करें।
ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत ही ज़बरदस्त, आसान, ज़बरदस्त माश की दाल की रेसिपी जिन बच्चियों को नहीं बनाने आती उनके लिए ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है। स्पाइसेस डालूंगी इसमें, एक खाने का चम्मच नमक मैंने लिया है, एक खाने की चम्मच मैंने इसमें मिर्ची डाली है। आप अपने स्पाइस के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यह हाफ टी स्पून हल्दी ली है मैंने और ये थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी जो है ये हमारे सुन्नत भी है, इसमें हर बीमारी की शिफा है। ये गरम मसाला है, ये हम एंड पे डालेंगे, बिल्कुल लास्ट पे। और अब इसमें मैं टमाटर भी ऐड कर दूंगी, एक अदर मैंने टमाटर लिया था जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। इसके साथ जो एक बहुत ही मज़ेदार चटनी मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार, ये देखें इसका हम मसाला थोड़ा सा भुनेंगे ताकि घी छोड़ दे। मसाले की लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, मसाले की लुक चेक कीजिए आप। थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, थोड़ा सा, ताकि जो मसाला है वो यकजान हो जाए। शेयरिंग करें डियर, जो जो मेरे साथ है। माश की दाल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी बताऊंगी मैं, ये देखें ये सारा मैश हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और पानी डाल के तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दूंगी, साइड्स आप साफ कर दें ताकि जले नहीं। ये देखें थोड़ी देर के लिए इसको ढक दें। अब मैं आपको चटनी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये देखें हाफ मैंने प्याज लिया है, ये ग्रीन चिली लिए हैं, 5 से 6 अदर, 2 अदर टमाटर हैं, ये 3 जवे जो हैं ये लहसुन के हैं, ये 1 चम्मच इसमें नमक है। रेड चिली नहीं मैं डालूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने ग्रीन ज़्यादा यूज़ करनी है, ग्रीन ज़्यादा अच्छी लगती है। ये इसमें अनारदाने का पाउडर और ये थोड़ी सी 1/2 टीस्पून शुगर है इसमें। और इसमें जाएगा धनिया एंड पुदीना। ये बहुत ज़बरदस्त कमाल की चटनी बनती है इस दाल के साथ, बहुत अच्छी मज़े की लगती है। ये देखें इधर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ रखती हूँ मैं, ये इसमें मोटा मोटा काटूंगी प्याज। आपके सामने सब कुछ बना करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये लहसुन के 3 जवे मैं डाल दूंगी इसमें चटनी बनाने के लिए इस दाल के साथ। ये देखें ये ग्रीन चिली मैं 2-2 पीसेस में करके
उधर हमारा मसाला तैयार हो रहा है दाल के लिए, और ये मैं चटनी साथ इसके साथ ये चटनी बनाई, बहुत मज़े की लगती है। हम गोभी चिकन बनाएं, गोश्त बनाएं, उसके साथ भी ये चटनी बनाते हैं। बस ये इतनी मज़े की चटनी है कि आप ऐसे खाली चटनी भी खाएं तो आपको दारा इसके साथ बहुत मज़े की लगती है ये। पहले मैं इन चीज़ों को चॉप कर लूँगी। वालेकुम अस्सलाम। चटनी है बहुत ही ज़बरदस्त। कौन है मेरे साथ? 7 लोग हैं मेरे साथ, मुझे बताएं आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। माश की दाल आप में से किस किस को पसंद है? मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, जिनकी फरमाइश से आज ये बन रही है। ये ज़्यादा बनती तो गर्मियों के सीज़न में है, बट वो उनको पसंद बहुत है, वो जब भी कहें फिर मुझे बनानी पड़ती है। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी वो ये सिखाती हूँ। ये देखें मसाला, देखें कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया बिल्कुल। और मसाले में मेरे ने घी छोड़ दिया है। साथ में इसकी मज़ेदार सी चटनी बना रही हूँ। धनिया, पुदीना, प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें, ये देखें मसाले वगैरह ने घी बिल्कुल छोड़ दिया है और सब चीज़ें मैश हो गई हैं, यकजा हो गई हैं। बहुत मज़े की लगती है ये साथ चटनी और साथ में ये देखें ये दाल मैंने 6 से 7 घंटे भिगोई थी। इसके छिलके अलग हो गए थे, मैंने वो धुली हुई दाल कभी यूज़ नहीं की। मैं इसे हमेशा वॉश करके खुद छिलके उतार के बनाती हूँ। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत मज़े की ये बनती है। वालेकुम सलाम, जो जो मुझे सलाम कर रहा है वालेकुम सलाम। ये देखिए अब मैं इसमें दाल शामिल कर दूंगी। ये देखिए अभी भी इसमें ये ब्लैक रह गया। ये देखिए जब आप ख़ुद इसके छिलके उतारते हैं तो कोई छिलका एक आधा रह भी जाता है, बट इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। थोड़ी एफर्ट तो होती है आपकी। मिर्चों से मुझे एलर्जी है। चले जी जी, जिसको पसंद है आ जाएं और हमारे साथ आके खा लें। बहुत मज़े की ये लगती हैं दालें, सभी बहुत मज़े की होती हैं। राइस के साथ भी मज़े लगती इसकी बहुत लगती हैं और ये रोटी के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती हैं। ये देखिए इसमें 1/2 कप के करीब मैं इसमें पानी डालूंगी बस। ये देख इतनी आसान रेसिपी, बस इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे। जब ये गल जाएगी दाल उतनी देर में हम आप चटनी बनाते हैं मज़ेदार सी। ये भी पानी डाल ही देते हैं इसमें।
हाफ कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है और फ्लेम को थोड़ा सा मैं तेज़ कर दूँगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम में नहीं। और ये अब रेडी हो जाएगी। अब हम चटनी को रेडी करते हैं। ये देखें, इसमें लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, प्याज और हरी मिर्चें जो है, और ये सारा मैंने चॉप कर लिए। अब मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना डालूंगी और उसको डाल के चॉप करूंगी। ये देखें, इसमें मैंने हरा धनिया और पुदीना डाला है। दाल के साथ ये चटनी बहुत ही मज़े की लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आप सबने क्या बनाया है शेयर करना पसंद करेंगे? आपको किस किस जगह की भी आप देख रहे हैं, ये देखिए धनिया और पुदीना ऐसे ये चटनी बिल्कुल बारीक नहीं अच्छी लगती, थोड़ी दादरी दादरी ऐसे। दाल का हमारा ये पकने शुरू हो गई है, ये देखें। और ये चटनी हाजमे वाली भी बहुत है, अगर आप ज्यादा खाना खा ले और सारी ये चटनी भी खाएं तो आपको 2-3 घंटे बाद फिर भूख लग सकती है। हर जगह चेंज हुई है तो मेरा ख्याल व्यूअर्स को पता नहीं चल रहा। फ्लेम थोड़ी और हम कम कर देंगे। अब ये देखें चटनी ये बन गई है, इसमें अब मैं टमाटर ऐड करूंगी। ये देखें ये एक अदर टमाटर है जो मैं काट के इसमें डालूंगी। और साथ ही इसमें नमक और ये जो है अनारदाने का पाउडर ये डाल दूंगी। अगर किसी को गला खराब होने का इशू है तो वो अनारदाने का जो पाउडर है वो ना इस्तेमाल करे।
आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ये चटनी लगती है। जी चटनी की रेसिपी मैंने बताई है आपको, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने तो डाली हैं। उसमें एक छोटा प्याज लिया था मैंने, दो तीन जगह जो थे वो लहसुन के लिए थे, और ग्रीन चिली को पहले मैंने उसको क्रश किया है, सारा उसको चॉप किया है, फिर उसमें धनिया पुदीना मैंने चॉप किया है, और एक टमाटर डाला है मैंने, उसके बाद नमक और जो है अनारदाने का पाउडर। अनारदाने का पाउडर उसमें मैंने ऐड किया है, इसको भी साथ साथ हम हिलाते जाएंगे। आग को हम और हल्का करते जाएंगे। ये देखें इस तरह चॉप हो जाएगी, ये थोड़ा सा और बारीक करेंगे हम इसे। स्पैचुला के साथ इसकी साइड आप चेंज करते जाएं ताकि सारी ऊपर नीचे से चॉप हो जाए और मिक्सिंग हो जाए इसमें। ये देखें बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त चटनी है, ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। मेरे पेज को लाइक फॉलो कीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ रेडी हो गई है। बिल्कुल जबरदस्त कमाल की हंडिया भी इधर बन रही है, मज़ेदार सी माश की दाल। ये देखें गरम गरम रोटी के साथ आप खाएं, बहुत ही मज़े की कमाल की इसकी खुशबू आ रही है। ये देखें ये इसकी असल शक्ल है चटनी की, नमक कम ज्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मुझे रेड चिली इसमें बिल्कुल भी पसंद, इसलिए मैंने नहीं डाली, अगर आपने डालनी हो तो आपकी मर्जी है। वैसे ग्रीन चिली से इसका टेस्ट अच्छा आता है।
डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको मैं चटनी। ये देखें चटनी की लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, चेक करें, बहुत ज़बरदस्त कमाल की चटनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। ये देखें ये दाल हमारी अब भी छोड़ेगी तो रेडी हो जाएगी। ये कुबानी रेसिपी चले जी, अब हम इसकी गार्निश करेंगे। इसमें मसाला डालूंगी मैं पिसा हुआ और धनिया, और वाइंड अप हो जाएगा हमारी हांडी जो है वो माश की दाल तैयार हो जाएगी गरम गरम रोटी के साथ। अब इसको खाएं बहुत मज़ा आएगा। चलो ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।